नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आज इस वीडियो में मैं जो प्रोग्राम आपको बताने वाला हूँ वो है सी प्रोग्राम टू चेक इनपुट नंबर इज ए परफेक्ट नंबर और नॉट। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बताता देता हूँ कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। जब आप किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, किसी नंबर के हम फैक्टर निकालते हैं, तो उन फैक्टर्स का सम अगर नंबर के ही इक्वल होता है तो उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 6। 6 नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, ये 3 नंबर्स 6 के फैक्टर हैं। अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को सम करता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये 6 आता है, तो नंबर के इक्वल हो गया है। तो इस तरह के नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल एक न्यू फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो एज ए कमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम टू चेक इनपुट नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। अब प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं, उसके लिए हमने प्री प्रोसेसर और इंक्लूड डायरेक्टिव और stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। वॉइड मेन फंक्शन, यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। एक वेरिएबल लिया हमने n, इंटीजर टाइप, एक i वेरिएबल और एक सम नाम से वेरिएबल लिया है, क्योंकि हमें उस नंबर के फैक्टर्स का सम करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है, उसके लिए मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज करता हूँ और उसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ, एंटर द नंबर। उस नंबर को मैं स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हुए n वेरिएबल पर स्टोर कर लेता हूँ। एन वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप है, तो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी लिखा है। ओके, अब यहां पर मैं वाइल लूप का यूज करता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ जब तक आई वेरिएबल की वैल्यू इज लेस देन एन, एन में वो नंबर स्टोर है जो यूजर ने इनपुट किया है। ओके, तो मैं यहाँ पर आई को सबसे पहले इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो आई इक्वल टू मैं इनिशियलाइज कर देता हूं 1 से। आई इक्वल टू 1, और क्योंकि मुझे फैक्टर्स का सम करना है तो मैं सम वेरिएबल में भी इनिशियली 0 स्टोर कर देता हूं ताकि उसमें गार्बेज वैल्यू ऐड ना हो जाए। अब मैंने वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन लिखी है, इफ एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन, इससे पहले के प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, तो अगर n नंबर i से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो i इज द फैक्टर ऑफ नंबर n। तो यहाँ पर i को मैंने सम वेरिएबल के साथ ऐड कर दिया है, यानी कि उस नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं मैं यहाँ पर उनको सम कर रहा हूँ और i को इंक्रीमेंट कर देता हूँ सिंपली। तो जब आपका ये लूप टर्मिनेट होगा उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि जो आपका एक्चुअल नंबर है जो कि एन वेरिएबल में स्टोर है और जो हमने फैक्टर्स का सम किया है जो कि सम वेरिएबल में, वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो मैंने कंडीशन लिखी इफ एन इज इक्वल टू सम, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा इनपुट नंबर इज परफेक्ट नंबर। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो मैं एल्स पार्ट में प्रिंट कराऊंगा इनपुट नंबर इज नॉट परफेक्ट नंबर, इज नॉट परफेक्ट नंबर, क्योंकि जो फैक्टर्स का सम है वो नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो यहां पर हम एल्स पार्ट में प्रिंट करा देते हैं कि वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है।
चलिए इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे कंपाइल किया, इसको बिल्ड किया, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर अब हमें एक नंबर इनपुट करना है, मैं 6 नंबर इनपुट कर देता हूँ और आप आउटपुट देख सकते हैं, इनपुट नंबर इज परफेक्ट नंबर, क्योंकि 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, 2 और 3, इन तीनों फैक्टर्स का सम 6 के इक्वल होता है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। ओके, तो यही था दोस्तों आज का प्रोग्राम। सिंपली हमने इसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एन, आई और सम। एन में हमने यूजर से नंबर इनपुट कराया है, आई हमने एक लूप चलाने के लिए लिया है जिससे हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, और सम वेरिएबल में हमने उस नंबर के फैक्टर्स का सम किया है, और दोनों को बाद में फिर कंपेरिजन किया है, एन इज इक्वल टू सम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।